हेलो दोस्तों, वेलकम टू नाइल टेक एंड वेलकम टू नई वीडियो। दोस्तों, आजकल का एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा माध्यम बन गया है यूट्यूब, और यूट्यूब एक बहुत ही पावरफुल एप्लीकेशन है। और यूट्यूब के अंदर कुछ हिडन फीचर्स एंड सेटिंग्स है, जिसको आप अगर जान लेंगे तो आपका जो यूट्यूब का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं यूट्यूब का कुछ इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करूंगा, जिसको आप लोग जान लेंगे तो आपका जो यूट्यूब का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी इस चैनल में नया आए हैं, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करके रखिए, ताकि मेरे चैनल से आने वाला फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला हमारा जो हिडन फीचर है वो है सर्च फिल्टर। दोस्तों, हम लोग YouTube में जब किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं तो हमें यहाँ पे पुराना रिजल्ट दिखाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 4 मंथ्स पुराना वीडियो है, और ये 7 साल पुराना वीडियो है, और ये 3 मंथ्स पुराना वीडियो है। और दोस्तों, आप अगर चाहें तो आप जब सर्च करेंगे तो आपको रिसेंटली अपलोडेड वीडियो या फिर रिसेंट कुछ वीडियो आया है YouTube पे, वही सर्च रिजल्ट में आए। तो उसके लिए आपको एक सेटिंग करना होगा, और उसके लिए आपको आप जो भी सर्च करना चाहते हैं उसको सर्च करने के बाद यहाँ पे एक 3 लाइंस दिख रहा है, इस 3 लाइंस के ऊपर टैप कीजिए। और टैप करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक विंडो खुल गया, और विंडो में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉर्ट बाय, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, रिलेवेंस, अपलोड डेट, और अपलोड डेट से भी आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर सकते हैं, और व्यू काउंट से भी कर सकते हैं, रेटिंग से भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे अपलोड डेट, और अपलोड डेट पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एनी टाइम, लास्ट आवर, टुडे, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, ये सब सेटिंग्स यहाँ पे है। आपको जितना भी वीडियो पुराना या फिर नया चाहिए तो आप यहाँ से सेटिंग्स ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सेटिंग दे रहा हूँ टुडे का, और उसके बाद अप्लाई पे टैप कर देंगे तो यहाँ पे आज जो वीडियो आया है यूट्यूब पे वही वीडियो आपको यहाँ पे सर्च रिजल्ट में शो होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वीडियो 9 आवर्स पहले आया है, और ये वीडियो 10 आवर्स पहले आया है, ये वीडियो भी 10 आवर्स। और ऐसे ही आप जब भी YouTube पे सर्च करेंगे और आपको रिसेंटली अपलोडेड वीडियो देखना है तो आप ये सेटिंग कर दीजिए, और उसके बाद आप रिसेंटली अपलोडेड जो वीडियो आया है उसको आप देख सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हिडन फीचर्स के बारे में बात करें तो आप अगर YouTube में कोई वीडियो देख रहे हैं और आप अगर चाहें तो उस वीडियो का कंप्लीट डिटेल्स आप देख सकते हैं, और आपका फ़ोन का भी कंप्लीट डिटेल्स, YouTube का कंप्लीट डिटेल्स आप देख सकते हैं, और आपका वीडियो कौन सी वॉल्यूम लेवल पे चल रहा है और कौन सी रेजोल्यूशन पे चल रहा है और वीडियो का डिटेल्स क्या है, सब कुछ। तो आपको इसको इनेबल करने के लिए आपको अपना YouTube के अकाउंट के अंदर टैप करना होगा। टैप करने के बाद आप सेटिंग पे चले जाइए, सेटिंग में जाने के बाद जनरल पे चले जाइए, और जनरल में जाने के बाद एकदम नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनेबल स्टैट्स फॉर नर्ड्स, इसको आप ऑन कर दीजिए। और ऑन करने के बाद आप जो भी वीडियो चलाएंगे और वीडियो के ऊपर टैप करके 3 डॉट पे जाएंगे, और नीचे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन खुल जाएगा स्टैट्स फॉर नर्ड्स, इसको आप ऑन कर दीजिए, इसके ऊपर टैप करके ऑन कर दीजिए। और ऑन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंप्लीट फ़ोन का डिटेल्स यहाँ पर दे रहा है, और YouTube का भी डिटेल्स यहाँ पे दे रहा है, कौन सा रेजोल्यूशन में ये वीडियो चल रहा है ये भी यहाँ पे दे रहा है, और वॉल्यूम लेवल भी यहाँ पे शो हो रहा है, और वीडियो का सब कुछ डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसको क्लोज़ करने के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन है, इसके ऊपर टैप कीजिए और ये क्लोज़ हो जाएगा। तो दोस्तों, इस हिडन फीचर्स का यूज़ करके आप किसी भी वीडियो का और अपना फ़ोन का वीडियो चलते वक्त कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट जो फीचर है यूट्यूब का वो बहुत ही कम लोग जानते हैं, और आप अगर जान लेंगे और इसको यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और आप अगर ये जान लेंगे तो आपका जो YouTube का नोटिफिकेशन आता है दिन भर टिंग टिंग करता रहता है, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस फीचर को इनेबल करने के लिए आपको सबसे पहले अपना अकाउंट का पिक्चर के ऊपर टैप करना होगा, और टैप करने के बाद सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आप नोटिफिकेशन में चले जाइए, और नोटिफिकेशन में जाने के बाद आप सबसे ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं कि शेड्यूल डाइजेस्ट, तो इसको आप ऑन कर देंगे, और ऑन करने के बाद यहाँ पर आप टैप करेंगे, और टैप करने के बाद यहाँ पर एक विंडो खुलेगा, और इस विंडो में आप देख सकते हैं कि डिलीवरी टाइम, तो यहाँ पर कुछ टाइमिंग दिया हुआ है, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जैसे कि यहाँ पे 7 PM में सेट हो रखा है, और आप इसे किसी भी टाइम पे दे सकते हैं, जैसे कि मैं 6 PM पे दे रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। और ये फीचर अगर इनेबल रहेगा तो आपका जो सब्सक्रिप्शन वाला चैनल से जो भी उस चैनल में नया वीडियो आएगा उसका जो नोटिफिकेशन आता है दिन भर, जब भी वो वीडियो अपलोड करे तब भी नोटिफिकेशन आता है, और आप अगर किसी काम पे हैं और वीडियो अभी देखना नहीं चाह रहे हैं तो आप इस नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हैं। और आपको अगर 6 बजे YouTube का वीडियो देखना है, आपको 6 बजे YouTube के लिए टाइम मिलता है, तो
तो आप अगर इस फीचर को इनेबल करके रखेंगे तो आपको 6 बजे ही नोटिफिकेशन आएगा और दिन के दूसरे टाइम पे कोई भी नोटिफिकेशन आके आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो आप ये फीचर्स को इनेबल करके रखिए, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपको दिन भर जो नोटिफिकेशन का टिंग टिंग झमेला है वो पूरा पूरी बंद हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो हिडन फीचर या फिर ट्रिक है उसका नाम है शेयर विद ट्विस्ट। मैं इसे शेयर विद ट्विस्ट कहता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि आपको अगर किसी वीडियो का मिडिल पार्ट अच्छा लगे और आप उस वीडियो को अपने दोस्त को शेयर करना चाहते हैं और उसी मिडिल पार्ट से दिखाना चाहते हैं, यानी कि वो जब भी वीडियो स्टार्ट करेगा उसी जगह से वो वीडियो स्टार्ट होगा। और इसी ट्रिक से आप अगर अपने दोस्त को वो टाइमिंग के साथ वीडियो सेंड करना चाहते हैं या फिर शेयर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका वो जो वीडियो का टाइम है वो देख लेना होगा कि किस टाइम पे आपका वो वीडियो अच्छा लगा। तो उसके बाद उस वीडियो के अंदर जाके शेयर का बटन पे टैप कीजिए और टैप करने के बाद यहाँ पे कॉपी लिंक का ऑप्शन आ रहा है, इसको कॉपी कर लीजिए और उसके बाद आप व्हाट्सएप पे या फिर जो भी जहाँ पे आप सेंड करना चाहते हैं उसमें चले जाइए। तो मैं व्हाट्सएप पे जा रहा हूँ। व्हाट्सएप में जाने के बाद उस लिंक को आपको यहाँ पे पेस्ट करना होगा और पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ ऐड करना होगा और मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ और स्क्रीन पे भी दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो लिंक के साथ ऐड करना होगा वो आपको दिखा दे रहा हूँ। और लिंक के साथ ऐड करना होगा एक क्वेश्चन मार्क, उसके बाद टी, उसके बाद इज इक्वल टू, और उसके बाद जिस टाइम पे वो वीडियो आपको अच्छा लगा उस टाइमिंग आपको देना होगा और टाइमिंग का ऑर्डर कुछ ऐसा होगा। और जैसे कि मैं यहाँ पे 2:30 पे ये वीडियो सेंड करूँगा तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2M and 30S। तो उसके बाद ये जो लिंक है मॉडिफाइड लिंक, इसको आप सेंड कर दीजिए और सेंड करने के बाद जो भी इस लिंक पे क्लिक करेगा, ये मॉडिफाइड लिंक पे क्लिक करेगा तो ये YouTube के अंदर जाएगा और 2:30 से ही ये वीडियो स्टार्ट होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वीडियो चालू हुआ 2:30 से। तो आप ऐसे ही अपने दोस्त को टाइमिंग के साथ वीडियो सेंड कर सकते हैं और ऐसे ही आप किसी भी दोस्त को ये मॉडिफाइड लिंक ऐसे टाइमिंग के साथ वीडियो का लिंक सेंड करके आप सरप्राइज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही था, YouTube का कुछ इंपॉर्टेंट हिडन फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात किया मैंने। और मैं एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ YouTube का कुछ सिक्योरिटी सेटिंग्स के बारे में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे करके रखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।